रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करते हैं, जूस नंबर 25 कर रहे थे हम। सूरत दुखान और सूरत जासिया है। पहले हम सूरत दुखान देखते हैं। तो सूरत दुखान, इसका सूरा पीरियड ऑफ रेवलेशन सही से नहीं पता चला ऑथेंटिक नरेशन से, और इसमें सब्जेक्ट मैटर्स जो बताए गए हैं सेम पीरियड था जब सूरह ज़ुख़रुफ़ का जो हुआ था। और यहाँ पर बहुत सख्त एक फैमिन आ गया था, और उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, और कुरैश के चीफ और अब्दुल्ला बिन मसूद एंड अबू सुफियान प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिक्वेस्ट लेके आए थे दुआ करने के लिए। और फिर कैलामिटीज़ किस तरह दूर हुए। और यहाँ पर हम देखते हैं सूरत दुखान जो है, इसमें जो सब्जेक्ट्स और मैटर्स जो इसमें डिटेल में आएंगे, पहली तो बात ये 59 वर्सेस है, 59 आयते हैं, और ये मक्की सूरत है। ये लगातार मक्की सूरतें आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो कुरान रिवील करे, और ब्लेसेड नाइट जो है, जो स्टार्टिंग के आयते आएंगे लैलतुल कदर, जिसमें अल्लाह ताला डिसाइड करेंगे वाइजली अल्लाह के हुक्म से। और कुरान इटसेल्फ क्या है, क्लियर टेस्टिमनी है, और ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह ताला क्या है, रब्बुल आलमीन है। फिर स्टोरीज बताए गए जो वाकई सच्चे हैं। क्योंकि कुरान में और दूसरे स्टोरीज में फ़र्क क्या है, कुरान में हमको बताया जाता कि जो सच्चे वाकया हुए। तो प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में और फिरौन के बारे में, और किस तरह बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हाना अल्लाह ताला, इवन दो लोग बहुत वीक थे, स्लेवरी में थे, लेकिन कैसा रेस्क्यू किया मूसा अलैहिस्सलाम को बताया गया, और किस तरह बचा लिए। और एक दिन मुकर्ररा दिन है हमारा, जो डे ऑफ रेजरेक्शन हम सब के लिए, और खाना और पीना जो जहन्नुम का खाना होगा बहुत ही तकलीफ देह होगा। तो ये सारे चीज़ें होंगे इंशाल्लाह। सूरह दुखान भी आएंगे, सूरह जासिया। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। हामीम से ही शुरू हो रही है। 25वां पारा जब आप देखेंगे जुज में, हामीम के सूरतें आएंगी। हामीम, इस रोशन किताब की कसम कि हमने इसको एक मुकर्रर रात में उतारा है, बेशक हम डराने वाले हैं। अब ये मुकर्रर रात जो हम तफसीर में देखते तो बयान किया जाता कि ये मुकर्रर रात क्या है, लैलतुल कदर। और लैलतुल कदर क्या है, रमज़ान में आती, और ये ऑड नाइट है, लास्ट जो 10 नाइट्स है उसमें कौन सी भी रात हो सकती। इस रात में तमाम हिकमत की उमूर का फैसला किया जाता है, हमारे यहाँ से हुक्म हो जाता है, बिला शुबा हम ही आपको रसूल बनाने वाले थे, ये आपके रब की तरफ से रहमत है, वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला खूब सुनता है और जानता है, आयत नंबर 6 में। तो कुरान क्या है, अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब है, और इसका पर्पस क्या है, गाइडेंस के लिए है। और अल्लाह ताला ने उतारी एक रात में, जो क्या है, जो रमज़ान में हम दिखते हैं ना लैलतुल कदर। तो दूसरे किताबें भी उतार गए थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तो स्क्रिप्चर था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, वो फर्स्ट नाइट ऑफ रमज़ान को उतारा गया था। और तौरा उतारे गया था 6th ऑफ ये रमज़ान। इंजील है 13th डे ऑफ रमज़ान, और ज़बूर 29th। तो द कुरान वाज रिवील्ड आफ्टर 24th डेज ऑफ रमज़ान। अल्लाह वालम, अल्लाह बेहतर जाने, सही ऑथेंटिक जो दिन है अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो जो 25th या 27th समझ के लोग जागते हैं, लेकिन कोई और नाइट हो सकती है। और फिर हम ये देखते हैं कि रहमत में रब्बी का, ये रहमत है रब के तरफ से, इन्ना हुआ समीउल अलीम,
अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है, जो कि आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सब का मालिक है। अगर तुम यकीन रखते हो उसके सिवाय कोई माबूद नहीं, वही जिंदा करता है, वही मारता है, वही तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बाप दादा का भी रब है। अल्लाह सुभान अल्लाह ताला यहाँ क्लियरली बता रहे हैं, इट्स नॉट ओनली तुम लोगों का, तुम्हारे बाप दादा का रब भी यही है, बल्कि वो लोग शक में खेल रहे हैं, मतलब वो शक में डूबे हुए हैं। तो उस रोज का इंतजार कीजिए कि आसमान की तरफ साफ साफ धुआं निकलेगा। आयत नंबर 10 में देखिए, आसमान की तरफ साफ साफ धुआं निकलेगा। तो ये जो दुखान की बात है ना, यहाँ पर आया देखिए वर्ड भी दुखान ही मुबीन आयत नंबर 10 में, कि वो धुआं लोगों पर छा जाएगा, ये दर्दनाक अजाब होगा। यक्षनासा हाजा अजाबुन अलीम, ऐ हमारे रब हमसे इस अजाब को दूर फरमा दे, हम ईमान लाते हैं, उनको नसीहत कहाँ नसीब होगी जब उनके पास रसूल आ चुका जो साफ साफ बयान करने वाला था। फिर उन लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया और कहा कि ये सिखाया हुआ और दीवाना। मतलब हमेशा जब भी प्रॉफिट्स आए उनके ऊपर शायर काहिन कुछ ना कुछ ऐसे बातें लगाए गए। आयत नंबर 15 सूरह दुखान, हम तो थोड़े दिनों के लिए अजाब टाल देते हैं मगर तुम फिर कुफर करने लगते हो। जिस रोज हम बड़ी सख्त पकड़ेंगे बिलाशुबा हम इंतकाम लेकर रहेंगे, और उनसे पहले हमने कौम फिरौन की आजमाइश की और उनके पास एक मुअज्जज रसूल आए। कौन थे वो? मूसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा अल्लाह के इन बंदों यानी बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी अमानतदार रसूल हूँ। आयत नंबर 18 में देखिए, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, सब ट्रस्टवर्दी रसूल थे, इनके अंदर इतने अच्छे क्वालिटीज थे। और ये कि अल्लाह के सामने सरकशी ना करो, मैं तुम्हारे पास खुली दलील लेकर आया हूँ, और मैं इस बात से पनाह मांगता हूँ अपनी और तुम्हारे रब की के तुम मुझे संसार करो, और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग हो जाओ। आयत नंबर 21 में वो ईमान लाने की बात कह रहे हैं, अगर नहीं तो तुम मुझसे अलग हो जाओ। फिर मूसा ने अपने रब से दुआ की, ये लोग नाफरमान हैं। हर बार देखिए प्रॉफिट्स कोशिश करे और साथ में दुआ भी करे, तो हमारा भी काम है। फदा रब्बहु अन हाउलाई कौमुन मुजरिमून, तो अब आप मेरे बंदों को रात हो रात लेकर चले जाओ और फिरौन वाले जरूर तुम्हारा पीछा करेंगे। अब ये एक सीक्रेटली अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि रातों रात तुम वतारकुल बहर रहवा इन्नहुम जुंदुल मगरुकून, तो अल्लाह ताला एक मेक वे कर देंगे। आयत नंबर 24 में देखिए, और दरिया से जो खुश्क हो रहा होगा और पार हो जाना तुम्हारे बाद उनका तमाम लश्कर डुबा दिया जाएगा। ये जो एक मौजजा है बहुत ही, देखिए इवन किसी को ये बात सुनाए जाए ना तो बहुत एस्टोनिश हो जाते, अमेज्ड हो जाते। वो रातों रात निकलना था, अल्लाह ताला बताए कि तुम लेके रेस्क्यू हो जाओ, और पानी में जब तुम असा मारो, जब जैसे ही तुम आगे बढ़ जाओ तब असा मारना है, इसमें नहीं है, दूसरे सूरतों में ये डिटेल आती है। जब वो असा मारेंगे तो पानी बिल्कुल डिवाइड हो गया था और वो जो पीछे रह गए थे उन लोग गर्क हो गए पानी में और ये लोग आगे निकल गए, और बिल्कुल एक अल्लाह ताला हक और बातिल अलग कर दिए। तो हम भी जब जिंदगी में परेशानियां तकलीफों में गुजर रहे तो अल्लाह ताला हक और बातिल को अलग कर देता है। वो लोग बहुत से बगात और चश्मे छोड़ गए और खेतियां और अच्छे मकानात, मतलब बागात थे, चश्मे थे, खेती थी, एवरीथिंग वाज लेफ्ट, और आराम की चीजें जिनमें वो ऐश किया करते थे छोड़ गए। इस तरह हुआ और हमने दूसरे लोगों को उनके मालिक बना दिया। यहाँ पर जो फिरौन इतना ज्यादा, हम प्रीवियस सूरतों में देखे कि वो अपने आप को बोलता कि हाँ मुझे रब्बुल आलमीन बोलो,
मेरा ये सब चीज मुझे बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ एवरीथिंग सब छोड़ के जाने का है। इसी तरह हुआ और हमने दूसरे लोगों को उनका मालिक बना दिया, तो फिर उन पर ना तो आसमानों और जमीन को रोना आया और ना के मोहलत दी गई। 29th आयत में देखिए, ना जमीन आसमान किसी को रोना नहीं आया, बिकॉज ये उनके आमाल थे जिसकी उनको सजा मिली। ये क्रिमिनल्स थे इन लोग। और हमने बनी इसराइल को जिल्लत के अजाब से निजात अता की। बनी इसराइल क्या है, बहुत ज्यादा स्लेवरी में थे और इन पे बहुत तशद्दुद हो रहा था, बहुत ह्यूमिलिएटिंग हालत थी इनकी, लेकिन अल्लाह सुभान अल्लाह तआला इनको रेस्क्यू कर दिए, यानी फिरौन से। बिलाशुबा वो बड़ा सरकश और हद से निकलने वाला था, और हमने बनी इसराइल को दुनिया जहान वालों पर इल्म की रूह से फौकियत बख्शी। अब ये बनी इसराइल वालों के साथ अल्लाह सुभान अल्लाह तआला बहुत सारे फेवर्स करे, और वन ऑफ द बिगेस्ट फेवर था इल्म का, और उनको ऐसी निशानियां दी जिनमें वाजे तौर पर उनकी आजमाइश थी। ये लोग कहते हैं, बहुत सारी चीजें, ऐसे चीजें भेजे जिसमें इनकी बहुत आजमाइश हुई, इनकी टेस्ट हुआ इनका, कि हमें सिर्फ यही पहली बार एक मर्तबा मरना है, और हमें फिर जिंदा नहीं किया जाएगा। हमारे बाप दादा को जिंदा करके लाओ अगर तुम सच्चे हो। ये लोग यकीन नहीं करते थे कि एक बार मर गए बस दोबारा उठाए जाएंगे, और वो कहते थे कि अच्छा अगर ये बात सच्ची है तो हमारे बाप दादा को जिंदा करके लाओ। क्या ये अच्छा है, ये कौमे तुब्बा और वो लोग जो उनसे पहले गुजर चुके हैं, हमने उन सब को हलाक कर दिया। बिला शुबा वो मुजरिम थे। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रीवियस जो नेशंस थे किस तरह उनको तबाह किया गया, और हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों में है उन सब को खेलते हुए नहीं बनाया। मतलब खेल तमाशा नहीं है, जो जमीन आसमान सब चीज जो बना है अल्लाह ताला, एक मकसद है उसका। हमने उनको एक तदबीर से पैदा किया, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। बेशक फैसले का दिन उन सब से के उठने के वक्त मुकर्रर है, उस रोज कोई दोस्त किसी दोस्त के काम ना आएगा और ना उनको कोई मदद मिलेगी। देखिए, दोस्त का जिक्र हम प्रीवियस सूरा में भी देखे थे, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। दोस्त के दिन पे आप रहते, उस दिन कोई दोस्त काम आने वाला नहीं है, उल्टा वो दुश्मन बन जाएंगे। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि वो एक दूसरे के काम आने वाले नहीं है। आयत नंबर 41 में, यौमा युगनी मौला अन मौलन शयउ वला हुम युनसरून, एक दूसरे को हेल्प भी नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या रहता, कोई बात हुई आप अपने फ्रेंड पे रिलाई करते और समझते कि नहीं ये मेरा मौला है, यही कोई हेल्प करने वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा वहां पर। मगर हाँ, जिस पर अल्लाह रहम फरमाए वो जबरदस्त मेहरबान है। लेकिन अल्लाह जिस पे रहम फरमाए, इल्ला मन रहिम अल्लाह इन्नहु हुवल अजीजुर रहीम। बिला शुबा थोड़ का दरख्त, मतलब ये जो शजरे जखूम है इसकी बात आ रही, कि वो कैसा है शजरे जखूम, गुनाहगार का खाना है वो। आयत नंबर 43 से शुरू होता है, इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम, जो गुनाह करे तेल की तलछत की तरह होगा, वो पेट में ऐसा खोलेगा। कल मुहिल युगली फिल बुतून, कभी आप गरम चीज देखे कि कैसा पेट में स्टमक में गया तो कैसा होता, हर्ट होता ना, और इवन ना स्किन निकल जाता। कभी गरम हॉट वाटर कभी पिए तो उसमें आप देखिए मुंह में छाले आ जाते, और यहाँ इतना बॉइलिंग स्कैल्डिंग वाटर रहेगा कि इट विल ब्लिस्टर योर स्किन, और जो आपके पेट में जाएगा आपके बेली में वो भी हर्ट होगा। और वो कैसा रहेगा, कभी आप ऑयल को बार बार हीट करें तो कैसा हो जाता ऑयल, मर्की ऑयल वैसा। जिस तरह गर्म पानी खोलता है उसको पकड़ लो, फिर उसको खींच कर दोजख के बिल्कुल बीच में ले जाओ। अब वो जबरदस्ती, कभी आप देखे किसी को जबरदस्ती खींचना पड़ा, मतलब फोर्सफुली इनको पुश किया जाएगा दोजख में। फिर उसके सर पर खोलता हुआ पानी उंडेल दो, कि अजाब पर अजाब है।
लहुमा जिरनी मिनल नार, अल्लाह ताला ऐसे अजाब से बचाए। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा कि खौलता हुआ पाना पानी उनके ऊपर उंडेल दिया जाए। कभी आप देखिए, कभी गर्म पानी, हम गलती से शावर गर्म पे आ गया, और एक्सीडेंट्स कितने होते हैं कि गर्म पानी अगर आप पे पड़ जाए तो स्किन ब्लिस्टर हो जाता, स्किन निकल जाता। तो ये अजाब पे अजाब, वन अजाब अगेन मिन अजाबिल हमीम। अब मजा चको, तू तो बड़ी इज्जत वाले है। ये वही चीज है जिसके बारे में तुम शक किया करते थे। इन लोगों को शक था ना इस बारे में कि यकीन नहीं थे। इन्ना हाजा मा कुंतुम बिही तम तारून, बिला शुबा परहेजगार लोग अमन और चैन के मकाम में होंगे। अब जो परहेजगार है, इन्नल मुत्तकीना फिल मकामी अमीन, यानी बागों और चश्मों में। और इसमें क्या है, फी जन्नाती व उयून, स्प्रिंग होंगे इनके अंदर, मतलब वाटर स्प्रिंग्स और अच्छे। ये लोग रेशम के बारीक और दबीस लिबास पहनकर एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। आयत नंबर 53 में देखिए, यल बिसु ना मिन सुंदुसुम व इस्तबरकिन मुत्तकाबिलीन, अच्छे रेशम के कपड़े। कभी हम रेशम का कपड़ा कुछ लेना चाहते तो हाथ लगा लगा के चेक करते कि ये अच्छा है या नरम है। तो ये एक दूसरे के सामने, हम चाहते ना एक दूसरे के सामने आई टू आई फोकस करके बात करें, तो इस तरह हम उनका ब्याह बड़ी बड़ी आंखों वाली गोरी गोरी औरतों से कर देंगे। उनकी शादी बिग आईज वाले जो हूर है उनसे शादी होगी उनकी। तो सुभान अल्लाह। तो आप देखिए जो जन्नत की औरतें हैं, हूरुल आईन, बड़ी आंखों वाली, खूबसूरत, उनका स्किन वाइट, और वहां इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मांगेंगे और खाएंगे। जो भी मेवा है ना, वो यदउना फीहा बिकुल्ली फाकिहतुन आमिनीन, जो मेवा चाहिए वो मांगेंगे और वो मिल जाएगा। वो वहां सिवाय उस मौत के जो दुनिया में वाकई हो चुकी, और मौत के जायका भी नहीं चखेंगे, और अल्लाह उनको दोजख के अजाब से बचा लेंगे। अब ये क्या है, 56 आयत में जो जन्नत में चले गए, अब ये परमानेंट रेजिडेंट हो गए। अब इनको फिर मौत आने वाली नहीं है, दैट्स इट, जो दुनिया में मौत आई थी, अब जो जन्नत में गए वो लोग प्रोटेक्ट हो गए। आयत नंबर 57 पे सूरत एंड हो रही है, 59 पे, ये आपके रब के बड़ा फजल होगा, यही बड़ी कामयाबी है। जो जन्नत में चले गए ना, बस यही फदलुम मिन रब्बिका ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। तो हमने इस कुरान को आपकी जुबान में आसान कर दिया है ताकि ये लोग नसीहत पकड़े। फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लअल्लहुम यतज़क्करून। तो आप भी इंतजार करें, ये भी इंतजार कर रहे हैं। फरतकिब इन्नहुम मुर्तकिबून। अब यहाँ पर सूरत एंड हुई, नेक्स्ट सूरा है सूरतुज्जासिया। सूरतुज्जासिया मक्की सूरत है और शॉर्ट सूरत है, 37 इसकी आयतें हैं। तो हम देखते हैं इसका इंट्रो, देखते हैं सूरतुज्जासिया का। जासिया मतलब जो हम घुटनों के बल जैसा बैठते ना, तो उस दिन अल्लाह ताला के सामने जब हम पेश होंगे तो घुटनों के बल बैठने की बात है। ये पीरियड ऑफ रिवेलेशन क्या है, इसमें भी सही तरीके से मेंशन नहीं है कौन सा है, लेकिन ये है कि मक्की सूरत है और सूरे दुखान जो मिडिल स्टेज ऑफ प्रॉफिटहुड के जब नाजिल हुआ था, ये उसके बाद है। और इसके जो कंटेंट्स है सेम है जो सूरे दुखान में थे। और मेजर चीज़ें जो इसमें आएंगी, डिसबिलीवर्स वो यकीन नहीं करते, जो काफिर है, मुशरिक है, वो अल्लाह पे यकीन नहीं करते, वो आखिरत पे यकीन नहीं करते, रेवलेशन पे नहीं यकीन करते। और अल्लाह ताला दो सब्जेक्टेड करा के सीज जो है ना, जो हेवन एंड अर्थ और ह्यूमन बीइंग के बारे में, जो बड़े बड़े सीज के बारे में, और जो इजरायली है उनके जो उनके बारे में, तौरा के बारे में, और अल्लाह ताला कैसा अपने मौजज़ जो राइचियस बंदों को कैसा बचा लिए, और जो अपने जो ख्वाहिशात को जो खुदा बना लिए उनके बारे में है, और वो गुमराह हो जाएंगे। और जो अपने ख्वाहिशात को खुदा बना लेते, मतलब वो हर चीज़ अपनी जो दिल में आता, बोलते ना वी ओनली लिव वंस बोल के,
तो उसमें वो हर चीज खुशफहमी रहते और पूरी करते। और उनके कान और आंखों पे क्या है, सील है, क्योंकि जो हिदायत से भटक गए उनकी बात हो रही है। फिर अल्लाह ताला किस तरह एड्रेस करेंगे डिसबिलीवर्स को डे ऑफ जजमेंट में, तो सूरत जासिया में ये सारी चीजें हम देखेंगे। और फिर ये सूरत जब एंड होंगी और पारा भी इसमें जुज नंबर 25 एंड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जो जुज है हम नई सूरत से शुरू करेंगे। सूरत जासिया मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। तंजीलुल किताबि मिनल्लाहि अजीजिल हकीम। इन्ना फिस समावाति वल अर्दि लआयातिल लिल मुमिनीन। हामीम हामीम। जैसे मैंने बताया हामीम से ही सूरतें शुरू होती है, 25वें पारे में ज्यादातर। इस किताब का नाजिल होना खुदाई गालिब है और दाना दाना है की तरफ से है, जो अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला क्या है, बहुत गालिब है। बिला शुबा आसमान और जमीन में ईमान वालों के लिए खुदा की कुदरत की निशानियां हैं, और तुम्हारी पैदाइश में भी और जानवरों में भी जिनको वो फैलाता है। यकीन रखने वालों के लिए ये निशानियां हैं। अब आप ना कोई भी चीज देखे, ये अल्लाह की बनाई हुई है, तो ये निशानियां देखे आपको अल्लाह याद आना चाहिए। और रात और दिन के आगे पीछे आने जाने में और उस रिस्क में भी जिसको अल्लाह ने आसमान से उतारा। देखिए रात का दिन में तब्दील होना, दिन का रात में, ये हम साइंटिफिकली कितने भी हम इन्वेंशंस कर लीजिए, लेकिन हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हम कायनात में। और फिर किस तरह अल्लाह ने आसमान से उतारा, फिर उसने जमीन को जिंदा किया बाद इसके मरने के, और हवाओं के रद्दो बदल में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। हर चीज में अल्लाह ताला बता रहे हैं किस तरह निशानियां हैं। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम आपको सच्चाई के साथ पढ़ कर सुनाते हैं, तो ये अल्लाह की और उसकी आयतों के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे। मतलब आप जब अल्लाह ताला खुली खुली दिल का आयतुल्लाह ही नतलूहा अलैका बिल हक, ये आयतें तो हक है, फबिअय्यि हदीसिन बादल्लाहि व आयातिही युमिनून, तो ये अब ईमान लाना नहीं चाह रहे क्या? हर झूठे गुनाहगार आदमी के लिए खराबी होगी। वैलुल लिकुल्ली अफ्फाकिन असीम। हलाकत है गुनाहगार और आदमी के लिए और खराबी होगी, तो झूठा भी है और असीम भी है, कि जो अल्लाह की आयतों उसको पढ़ कर सुनाई जाती हैं उनको सुन तो लेता है, फिर गुरूर करते हुए अदा रहता है गोया के उसने सुना ही नहीं, तो उसको दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। अब जब ये आयतें सुनाए जाते तो इतना गुरूर है, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अच्छा फबशिरहुल बि अजाबिन अलीम, तो अब इसको खुशखबरी सुना दो अजाब अलीम की। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि खुशखबरी सुना दो? क्योंकि अल्लाह बहुत एंग्री है इन्हें। ये जो शख्स था बहुत स्टबर्न था, ये कोई भी हो सकता है, ये पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं हो रही, एक पर्टिकुलर जो लोग तकब्बुर करके इनकार कर रहे उनकी बात हो रही। और जब उसको हमारी चंद आयतों का इल्म होता है तो उनकी हंसी उड़ाता है, उनके लिए जिल्लत वाला अजाब है। आयत नंबर 9 में देखिए, आयतें सुनते और मजाक उड़ाते, और हमारे पास तो ये कॉमन हो गया, मुसलमान हो के हम कैसा कर सकते ये? उनके सामने दोजख है और उनके कुछ काम भी ना आएंगे जो वो करते रहे हैं, और ना ही वो उनके काम आएगा जिनको उन्होंने अल्लाह के सिवाय कारसाज बना लिया था, और उनके लिए बड़ा अजाब है। ये हिदायत की किताब है। क्या है ये? हाजा हुदन वल्लजीन कफरू बि आयाति रब्बिहिम लहुम अजाबुन मिन रिजिन अलीम। ये हिदायत की किताब है, और जो लोग अपने रब की आयत से इनकार करते हैं उनके लिए सख्ती का दर्दनाक अजाब होगा। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए दरिया को मुसख्खर किया ताकि उसके हुक्म से उसमें कश्तियां चले, और ताकि तुम उसका फजल रोजी तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र करो। अब देखिए पानी में जो बोट सेल हो रही, ये अल्लाह का फजल है।
अगर अल्लाह ताला उसको अपने फेवर में नहीं करते तो बोट कैसा सेल कर सकते। तो अल्लाह का हम शुक्र अदा करना चाहिए और बोल रहे कि तुम रोजी तलाश करते हो। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते तो हमारा जो ब्रेड एंड बटर वो कमा भी कैसा सकते थे हम, डेली जो हमारी जो रोजी रोटी है। और उसी ने वो सब जो कुछ आसमानों और जमीन में है अपनी तरफ से तुम्हारे काम में लगा रखा है, इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। देखिए लआयत लिकौमी यतफक्करून, जो लोग गौर व फिक्र करते हैं उनके लिए निशानियां हैं। आप मोमिनों से कह दें कि वो उन लोगों से दरगुजर कर दें जो अल्लाह के उन दिनों की तवक्को नहीं रखते ताकि अल्लाह बदला दे कि एक कौम को उनके आमाल का। जो नेक अमल करेंगे तो अपने नफे के लिए है और जो बुरे अमल करेंगे तो उसका वबाल उसी पर पड़ेगा, फिर तुम सब अपने रब की तरफ लौट कर जाओगे। आयत नंबर 15 में देखिए, अगर आप यहाँ पर नेक अमल कर रहे हैं तो वो आपके लिए, अगर आप बुरे अमल कर रहे हैं तो वो आपके लिए है। जो भी है अल्लाह ताला की तरफ लौट के जाना है। और हमने बनी इसराइल को किताबें, हिदायत, हुकूमत और नबूवत बख्शी और हमने पाकीज़े चीज़ें खाने को अता की और दुनिया जहान वालों पर उनको फजीलत दी। जैसे मैंने पहले भी बताया, उनको दुनिया जहान पे फजीलत दी, दूसरों पे उनको प्रेफर किया गया, जैसा कि उनको नॉलेज दी गई थी, बहुत सारे मोजज़े दिए गए थे, फिर भी वो नाशुक्री ही करे। और उनको दीन के बारे में निशानियां अता की तो उन्होंने इल्म आ जाने के बाद इख्तिलाफ किया आपस की जिद की वजह से। आपका रब कयामत के दिन उनमें फैसला कर देगा उन चीजों में जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे, तो उस दिन फैसला हो जाएगा। फिर हमने आपको दीन के एक तरीके पर कायम कर दिया तो उसकी पैरवी करते रहिए और उन नादानों की ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए, ये अल्लाह के मुकाबले में आपके किसी काम ना आएंगे। और जालिम आपस में दोस्त होते हैं और अल्लाह परहेजगारों का दोस्त है। अगेन दोस्त की बात आ रही कि जो जालिम है, जो जुल्म करते ना, ये आपस में दोस्त रहते। कभी आप देखें कि जो लोग जुल्म करते उनको जुल्म जुल्म नहीं दिखता, तो ये जालिम लोग एक दूसरे के दोस्त है। अल्लाह परहेजगारों का दोस्त है, अल्लाह ताला पसंद करता जो परहेजगारी करते। ये कुरान लोगों के लिए है दानाई और हिदायत का जरिया है और बड़ी रहमत है यकीन लाने वालों के लिए। तो ये यकीन लाने वालों के लिए, क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये ख्याल करते हैं कि हम उनको वैसा ही कर देंगे जो ईमान लाए और नेक काम किए कि उनकी जिंदगी और मौत यकसा हो, ये बुरा फैसला करते हैं। आयत नंबर 21 बहुत इम्पोर्टेंट है। जो नेक अमल कर रहे हैं और जो नेक अमल नहीं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, एक तरह से नहीं हो सकते। और अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हिकमत से पैदा किया है और इसलिए कि हर शख्स अपने अमाल का बदला पाए और उन पर जुल्म ना होगा। जो हम यहाँ पर अमल कर रहे हैं वो हमारा बदला हमको खुद मिलने वाला है। क्या आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को अपना माबूद बना लिया और अल्लाह ने उसको बावजूद ये कि वो जानता और समझता था गुमराह कर दिया और उसके कान पर और उसके दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब अल्लाह के बाद उसको कौन हिदायत दे सकता है, तो क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते। आयत नंबर 23, जो अपनी हवा अपनी ख्वाहिशात को अपना गॉड बना लिए, मतलब हर चीज नेम इट, मुझे ये ख्वाहिश पूरी करना एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो उनके लिए क्या है, कुछ हिदायत नहीं। उनके आंखों पे, कानों पे और उनके दिल पे, अब कोई चीज पे भी ऐसा नहीं है कि वो सोच रहे नहीं, समझ रहे नहीं, कुछ भी नहीं, पर्दा आ गया, बस उनको एक के बाद एक। अब समझिए कि फॉर एग्जांपल कोई गेम देखे, उसके बाद फिर और कुछ, कोई कोई और उनको चाहिए टाइम पास,
ताकि वो अपने जो डिजायर्स है फुलफिल करना। आप किसी को शौक रहता है एक कहीं घूमने निकले, ठीक है घूमो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, लेकिन वन थिंग आफ्टर द अनदर, मतलब इतनी ज्यादा मसरूफ रहते तो अल्लाह ताला इससे पहले भी सूरह बकरा में क्या बताए, वखतम अल्लाह अला समईही व कल्बिही खतम अल्लाह अला कुलूबिही मरदा। तो यहाँ पर भी वखतम अला समईही व कल्बी व जाल अला बसरही गशावा, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इनके कानों पे भी सील लगा दिए, दिल पे भी और आंखों पे भी, बस ये सिर्फ दुनियादारी में ही रहेंगे और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला गाइड नहीं करेंगे। अब जब ये बात की जाती ना तो हम अपना जायजा लेना चाहिए, ये नहीं कि अब हम दूसरों का तसव्वुर करें, अच्छा फलां फलां, नहीं पहले हम अपने बारे में सोचिए कि हम ऐसी कोई चीज तो नहीं है जिसमें हम बहुत कैरी डवे हो रहे। किसी का शौक हो सकता कि ज्यादा खाना खाना, किसी का शौक हो सकता कि ज्यादा सोना, किसी की कोई 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 भी चीज हो सकती, हद से ज्यादा आप उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना कि आप सारे चीजों से आप पीछे हट जा रहे हैं, क्या अल्लाह का जिक्र हो, नमाज हो और सदका खैरात हो, लोगों के साथ हुस्ने सुलूक हो, या ये भी हो सकता सिर्फ आप अपनी फैमिली और अपने लोगों के लिए, बाकी गए आप अपने पेरेंट्स, आपके जो इमीडिएट जो फैमिली है बस आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहन को बिल्कुल भूल गए। सिला रहमी तो दूर की बात है, शायद वो कभी पूछते भी नहीं। तो इतनी ज्यादा अपनी नफ्स की पूजा करने लगे कि वन थिंग आफ्टर अनदर, ये भी चीज हो सकती। और वो कहते हैं हमारी इस दुनियावी जिंदगी के अलावा और कोई जिंदगी नहीं है कि हम मरते हैं और जीते हैं, और हमें तो जमाने ही मार डालता है और उनको इसका कोई इल्म नहीं, सिर्फ खयास ही खयास करते। एक्चुअली में आयत नंबर 24 में देखिए, ये मरने और जीने का तो उनके पास तस्वुर ही नहीं है, डे ऑफ रेजरेक्शन का तस्वुर नहीं है। सब ये अपने आप से जो है ना गुमान कर लेते चीजों को, यजुन्नून जन करते, और जब उनके सामने हमारी खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनकी यही दलील होती है कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा करके लाओ। ये बार बार इनका यही रहता कि अच्छा वो तो मर के चले गए ना, अगर सच्ची बात है तो उनको जिंदा करो। आप फरमा दें कि अल्लाह ही तुमको जिंदा करता है, फिर वही तुमको मौत देगा, फिर वही तुमको क़यामत के दिन जमा करेगा जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। और अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमान और ज़मीन की, और जिस रोज़ क़यामत बरपा होगी उस रोज़ सारे अहले बातिल नुकसान में रहेंगे। क़यामत के दिन सारे जो बातिल में हैं वो नुकसान में रहेंगे, और आप देखेंगे कि हर उम्मत के लोग घुटनों के बल बैठे होंगे, हर जमात अपने आमाल नामों की तरफ बुलाए जाएंगे, आज तुमको उसका बदला मिलेगा जो कुछ तुम करते रहे हो। आयत नंबर 28 में जो ये सूरत का नाम है जासिया, वो नाम आएगा इसमें, वतरा कुल्ल उम्मतिन जासिया, और तुम देखोगे कि उम्मत के लोग घुटनों के बल बैठे होंगे और हर जमात अपने आमाल नामों की तरफ बुलाई जाएगी। हर जमात मतलब डिफरेंट सेक्स है, डिफरेंट ग्रुप्स है, यहाँ पर आज तुमको उसका बदला मिलेगा, हर जमात को उसका बदला मिलेगा जो कुछ तुम करते रहो, जो यहाँ पर करके गए वही उसका बदला। ये हमारी किताब तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही सही बता देगी, हम लिखावते जाते थे जो कुछ भी तुम किया करते। अल्लाह ताला एवरीथिंग नोट डाउन कर रहे हैं जो भी हम यहाँ पर करते। तो जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे तो उनको रब उनकी अपनी रहमत में दाखिल करेगा, ये सरी कामयाबी है। तो यहाँ पर बता रहे हैं फअम्मल लजीना आमनु वामिलुस सालियात, ईमान के साथ अमल साले करना ही करना है, फयदखुलहुम रब्बहुम फी रहमती ज़ालिका फौजुल मुबीन, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, फौजुल मुबीन है ये। और जो काफिर थे उनसे कहा जाएगा क्या मेरी आयतें तुमको पढ़कर सुनाई जाती थी तो तुमने तकब्बुर किया और तुम लोग नाफरमान थे। तो अब पूछा जा रहा कि देवे नाफरमान,
और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कोई शक नहीं, तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते कि क़यामत क्या है, सिर्फ एक ख्याल सा तो होता है और हम को यकीन नहीं है। ये क़यामत पे यकीन ही नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पर वही इंसान डर डर के काम कर सकता है जिसको यकीन हो आखिरत का। और आयत नंबर हम 31 में देखते हैं कि वमल लजीना कफरु, जो लोग इनकार करे, और इसमें एक हदीस आती, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं एक एटम वेट के उत्ता भी एरोगेंस किसी के पास रहेगा उसके दिल में, तो वो जन्नत में एंटर नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं, एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर करेंगे तो जन्नत में नहीं एंटर हो सकेंगे। तो फिर किसी ने कहा कि अगर कोई समझिए कि अच्छे कपड़े पहन रही या अच्छे शूज पहन रही तो वो क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अगर तुम ये अल्लाह ताला ब्यूटीफुल है, अल्लाह ताला खूबसूरत है, अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है, अगर तुम्हारा ये सोच है कि अल्लाह ताला तुमको दिया और तुम उसको पहन रहे हो, लेकिन उसमें तकब्बुर नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखिए, मेरे पास अल्लाह ताला जो भी दिया, आप समझिए कि आपके पास दो जोड़े हो, चार जोड़े हो या उससे ज्यादा हो, कोई भी चीज हो, अगर आप अल्लाह का दिया हुआ शुक्र अदा कर रही और लोगों पे बोस्टफुल नहीं हो रहे, ये नहीं बता रहे कि अच्छा ये इतने का है, ये ऐसा है, वो जरूरत ही नहीं है। ये आपको अल्लाह ने दिया, आप शुक्र गुजारी कर रहे हैं, आप अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छा वो कर रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन तकब्बुर नहीं करना है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तीन चीजें हैं जो अपने जो एंटर नहीं होंगे जन्नत में, वो है तकब्बुर और दीन पे बोस्टफुल होना और हुलू करना। तो अब यहाँ पर क्या है, तकब्बुर करना कोई भी चीज पे हो सकता, और जो दीन में जो इल्म नॉलेज गेन कर रहे हैं, ये चीज हम लोगों को बताने के लिए नहीं, ये अल्लाह के खुशनुदी, अल्लाह की खुर्बत हासिल करने, अमल करने और लोगों को दीन फैलाने के लिए हमको सीखना है। पहली तो बात, हम अपने लिए अमल करना है, हम अपने आप को सही करना है, और आखिरत में ये चीज आने वाली है काम। और थर्डली हुलू नहीं, मतलब हुलू क्या चीज है कि आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजबिल्ला अल्लाह से ज्यादा दर्जा देते हैं, ये चीजें नहीं करना है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते डे डे ऑफ रेजरेक्शन में एरोगेंट लोग जो तकब्बुर करते वो चुमटियों के जैसा जमा होंगे, एंट्स की तरह। जो लोग लोगों को हकीर समझते, लोगों के सामने तकब्बुर करते, उस दिन उन लोग एंट्स के जैसे उठाएंगे, चुमटी के जैसा। और कुछ लोग ऐसा जो प्रिजन में जो रहेंगे उनको हॉटेस्ट फायर जो उनको दिया जाएगा, और उनको गंदे जो वून से जो चीजें निकलते ना, वो चीजें हेल फायर में दिया जाएगा खाने पीने के लिए। तो ये चीज हमको याद रखना चाहिए कि एक तकब्बुर से क्या होगा, दोजख में जाएंगे, और दोजख में क्या मिलने वाला है, कोई अच्छे चीज़ मिलने वाले हैं नहीं। और ऐसा हम नहीं वो करना है जो अल्लाह का इनकार करना है। अगर आप क्यों अपने आप को तकब्बुर करना, किसी को नीचा दिखाना, ये पसंद नहीं है अल्लाह ताला को, एरोगेंस अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, आयत नंबर 32 ऑलरेडी हम देख लिए, क्योंकि मैं वो आयत नंबर 31 में कुछ हदीसें रह गई थी। और उनके आमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी, और जिस अजाब का वो मजाक उड़ाते थे वही उनको आ घेरेगा। 33 में आप देखिए, जो लोग मजाक उड़ाते थे ना आखिरत का, वो खुद पकड़े जाएंगे अजाब में, और कहा जाएगा आज हम तुमको भुलाते हैं जिस तरह तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था, और तुम्हारी ठिकाना दोजख है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। मतलब अब कोई मदद करने वाला नहीं है, ये अब दोजख तुम्हारा ठिकाना है। ये इसलिए है कि तुमने अल्लाह की आयतों का मजाक बना रखा था, और दुनिया की जिंदगी ने तुमको धोखे में डाल रखा था। सो आज ये लोग ना तो दोजख से निकल जाएंगे और ना उनकी तौबा कबूल होगी। आज दोजख से भी नहीं निकल सकते
और उनकी तौबा कितना भी फॉरगिवनेस मांगो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला फॉरगिव नहीं करेंगे उनको। तो अल्लाह ही के लिए जेबा है सारी सारी तारीफ, अल्लाह के लिए जो रब है आसमान का और रब है जमीन का, रब है सारे जहान का, और उसी के लिए बड़ाई है आसमानों और जमीन में, और वो ही जबरदस्त हिकमत वाला है। इसकी आयतें बहुत ही अच्छी है। فَلِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सूरतुल जासिया फिनिश हो गई और सूरतुल अहकाफ यहाँ पर शुरू होगी। हम जूज नंबर 26 में सूरतुल अहकाफ करेंगे। यहाँ पर जूज 25 कंप्लीट भी हो गया और सूरत भी कंप्लीट हो गई। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा, सुभानकअल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।